अगेन इन इलस्ट्रेशन नंबर 51 हमें बोला गया है कि x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करो जिसके लिए ये सारे फंक्शंस आइडेंटिकल हो, राइट। चलो अब हम ये सारी चीज कैसे करेंगे, हमें ये फाइंड करना है कि ये सारे फंक्शन आइडेंटिकल हो, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स, नाउ जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है 1/1 बाई एक्स। चलो तो आइडेंटिकल होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, दोनों का डोमेन। नाउ एफ का डोमेन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। नाउ जी ऑफ एक्स इज 1/1 बाई एक्स, तो उसका डोमेन क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे गलती से भी ऐसा मत करो कि ये एक्स डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, राइट। इट इज वन ऑपरेशन दैट यू आर अप्लाइंग ऑन इट, वो ऑपरेशन अप्लाई किए बिना उसके पहले ये फंक्शन डिफाइन है। तो जब ये फंक्शन डिफाइन है तो वो कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा या कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, सर तो जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम हो जाएगा ना सर? वही तो बोल रहा हूं, पहले ऑपरेशन मत करो, वो दोनों सेम होंगे। पर जब जी ऑफ एक्स डिफाइन किया गया था तो जी ऑफ एक्स सिर्फ ऐसे डिफाइन किया गया था, इट इज 1/1 बाई एक्स, तो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए वो डिफाइन नहीं है वो हमें देखना है, राइट। तो जी ऑफ एक्स एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, जीरो, क्योंकि अगर मैं जीरो रखूंगा तो 1/0 इज नॉट डिफाइन, राइट। 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, तो इसीलिए उसका डोमेन हो जाएगा R-0, उसके लिए हमारा जी डिफाइंड नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे ऑपरेशन फॉलो नहीं कर सकते, राइट। पहले वो देखो कि कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, उसके बाद उसके ऊपर आप ऑपरेशन फॉलो कर सकते हो। तो एवरीबडी क्लियर विद दिस, हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी वैल्यूज के लिए ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, राइट। तो कौन सी वैल्यू के लिए आइडेंटिकल होंगे, यहाँ पे तो सारी वैल्यू है और यहाँ पे सिर्फ जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली हम जीरो को कट कर देंगे, तो ये दोनों फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू R-0 के लिए आइडेंटिकल होंगे। एवरीबडी क्लियर विद दिस, ये क्वेश्चन में क्लियरेंस हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, हर्षा जाए नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 + 10²x। अगेन अभी फिर ऐसा बोलोगे सर 1 + 10²x इज sec स्क्वायर, √sec² इज sec, 1/sec इज cos, नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट मत करो, सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, फंक्शन जिसके लिए डिफाइन है वो हमें देखना है, राइट। चलो तो कॉस किसके लिए डिफाइन है, कॉस में मैं इनपुट क्या डाल सकता हूँ, कॉस में पूरा का पूरा रियल नंबर इनपुट डाल सकता हूँ और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली -1/2। अब ये फंक्शन में टेन है, टेन कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, तो आपको याद हो तो टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो टेन उन वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है जब हमारा कॉस जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे एक्स होंगे वाई एक्सिस के पॉइंट्स, राइट, आइदर अबव और बिलो ऑन यूनिट सर्कल। तो मेरा डोमेन ऑफ जी हो जाएगा R-2n+1π/2, राइट, R-even number of π/2, ये चीज आपको याद ही होगी, राइट। इट इज वेरी मच इजी कि हमारा ऐसे यूनिट सर्कल था, अब ये टेन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे, सो दिस विल बिकम योर R-2n+1π/2। नाउ अब अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूँ तो 1/√1 + 10² इज sec स्क्वायर, √sec² इज मोड sec, एंड 1/mod sec इज मोड cos, ओके। तो अगर ये मोड cos है तो इसके रेंज भी 0 से 1 में लिमिट हो जाएगी, राइट, -1 to 1 तो नहीं होगी। तो अब व्हाट इज अवर क्वेश्चन इज, हमारा फंक्शन ये दोनों आइडेंटिकल कब होंगे, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आइडेंटिकल होंगे, तो ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए, डोमेन भी और रेंज भी। तो हमें एक्स की वैल्यू ऐसी ही लेनी है कि हमारा दोनों फंक्शन का आउटपुट 0 से 1 में आए, पता चल रहा है, अगेन एक्स की वैल्यू मुझे इनपुट ऐसा ही लेना है कि दोनों फंक्शन का आउटपुट 0 से 1 में आए, इसका तो ऑलरेडी 0 से 1 में आ रहा है, राइट। अब इसका 0 से 1 में कब आएगा, राइट, कॉस ऑल ST C या AST C जैसे आपने याद रखा था, राइट। तो कॉस आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली योर एक्स शुड लाई इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। एवरीबडी क्लियर विद दिस, ये पता चला पहले, अगर रेंज 0 to 1 है तो एक्स हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, ओके। सो ऑब्वियसली अगर मैं उसको नॉर्मल टर्म्स में लिखूं तो एक्स मेरा होना चाहिए -π/2 से π/2, ओनली इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट सर्कल में। अब जनरल वे में अगर लिखूं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो हर जनरल वे में 2n π जितना चक्कर लगाने के बाद, मतलब पहली बार 2π लगाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर 4π, 6π, 8π, फिर वहीं पे आ जाऊंगा मैं, तो -π/2 और π/2 में मैं दोनों में 2n π को ऐड कर सकता हूँ, ओके, फॉर जनरल केस n बिलोंग्स टू z। अब
इसमें कोई डाउट है? ये क्वेश्चन पता चला राइट, तो 0 to 1 लाने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा ओके okay? और यहाँ पे हमने ये ओपन इंटरवल क्यों रखा, क्लोज क्यों नहीं रखा? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज डोमेन में से आपको पाई बाई टू वाले ये दोनों पॉइंट आपको निकालने हैं, क्योंकि उसके लिए 10 डिफाइन नहीं है। उसके लिए 10 क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि वहां पे कॉस 0 है। ये फंक्शन तो डिफाइन है वो वैल्यू के लिए राइट, बट ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल रखा। यहां से ये वाली कंडीशन से, मतलब डोमेन वाली कंडीशन से हमने ओपन इंटरवल रखा, और रेंज वाली कंडीशन से हमें ये पूरा इंटरवल मिला, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें किसी को डाउट है? पक्का? रेज योर हैंड ना। ठीक है, ये आइडेंटिकल खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा हम क्या चीज चेंज करने वाले हैं अब से ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब ये समझना, क्वेश्चन नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स है इधर अंडर रूट 9 - x² बाई अंडर रूट एक्स माइनस 2, एंड जी ऑफ एक्स इज अंडर रूट 9 - x² बाई एक्स माइनस 2। आप बोलोगे सर दोनों फंक्शन तो सेम ही है राइट? नहीं, यहाँ पे अंडर रूट पूरे में है और यहाँ पे अंडर रूट सिर्फ इन दोनों में है। तो आप बोलोगे सर इसमें चेंज क्या है? तो ये क्वेश्चन हम पूरा करते हैं, क्वेश्चन खत्म होते होते आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि कौन सी चीज सेम है कौन सी चीज डिफरेंट है। सो एवरीबॉडी रेडी ना? तो ये वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा? सिंस यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों जगह है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर वाला चीज भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे वाला फंक्शन भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऊपर वाला फंक्शन पॉजिटिव वो जीरो भी हो सकता है, बट क्या नीचे वाला फंक्शन जीरो हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे 9 - x² कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x - 2 कैन बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन 2 राइट, और x² इज लेस देन और इक्वल टू 9, यहाँ से मुझे मिल जाएगा -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। यस और नो? नाउ अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ऑब्वियसली माई x विल लाई फ्रॉम 2 to 3, वेर 2 इज माई ओपन इंटरवल एंड 3 इज माई क्लोज इंटरवल। सो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to close interval 3. Everybody clear with this? ये हो गया ये वाले function का domain. Okay? तो इसी तरीके से चलो g का भी domain find करते हैं, फिर देखते हैं. अब समझो, g में हमारे पास है square root of 9 - x² by x minus 2. अब ये कब define होगा? जब square root के अंदर जो भी है वो greater than or equal to 0 होना चाहिए. अब ये inequality वाला केस आ गया. Inequality को आप कैसे simplify करते थे? सबसे पहले इसको positive कर देते थे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। फिर x² - 3 है वो x - 3 x + 3 हो जाएगा राइट, डिवाइड बाय x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 ओके। नाउ अब श्रेया के मैसेज आ रहे हैं, 1 मिनट। सर नहीं हो रहा सर, जैक से ट्राई किया, मतलब श्रेया मीटिंग में है क्या? श्रेया आपका ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हो? श्रेया आर यू देयर इन मीटिंग? गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट्स, श्रेया का ये आ रहा है ओके स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे थे x² - 9, तो ये आपका हो जाएगा x - 3 x + 3 बाई x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे, दैट इज -3, 2 एंड 3। फिर यहाँ से तो आपको पता ही है ये कर्व हम ऑलरेडी कितनी बार करके आए हैं, 3 के बाद पे पॉजिटिव होगा और सिंस सबकी पावर 1 है तो माइनस प्लस प्लस माइनस। यहाँ से हमें कौन से पॉइंट चाहिए? सिर्फ नेगेटिव वाले पॉइंट चाहिए। तो नेगेटिव वाले पॉइंट कौन से होंगे? इधर 2 से 3 के बीच में और -3 से छोटा वाला। अब बस आपको ये चेक करना है आपको -3 और 2 में से किसको इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना है। तो सिंस 3 आपका न्यूमिरेटर में है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, और 2 आपका डिनोमिनेटर में है तो उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 पे आपका आंसर 0 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 राइट। नाउ सो हियर माय डोमेन ऑफ जी विल बी एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन 2 to 3, और यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ क्या था? सिर्फ 2 to 3 ओपन टू क्लोज राइट, बट यहाँ पे 2 to 3 के अलावा ये भी है -∞ to -3। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2? इन दोनों फंक्शन में अलग क्या है? समझो इन दोनों फंक्शन में अलग ये है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट इन दोनों को दे दिया गया है, मतलब ये दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए राइट, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऊपर है, स्क्वायर रूट ऊपर है तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आइधर ये दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी तो भी चलेगा, आइधर ये दोनों चीजें नेगेटिव होंगी तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें नेगेटिव होंगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से। पता चला
इसीलिए हमें इंटरवल क्या मिला, ये यहाँ पे जहां पे दोनों चीजें इधर पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी, राइट? तो नेगेटिव होंगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? और हमें ये पूछा गया एक्स की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए दोनों आइडेंटिकल हो जाए। तो दोनों आइडेंटिकल होने के लिए एक्स हम कौन सा लेंगे जो दोनों में लाइक कर रहा हो कॉमन, 2 to 3। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 to 3। सो एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3 फॉर बोथ। पता चला यहाँ पे हमारा आइडेंटिकल फंक्शन खत्म हो रहा है। आइडेंटिकल फंक्शन में किसी को कोई डाउट है, जाए नेक्स्ट। किसी को भी डाउट हो तो पूछो, राइट? श्रेया का कनेक्ट नहीं हो रहा, ओके, पर क्या ही कर सकते हैं। कनेक्ट तो हो गया ना लाइन, आपने जो अभी मीटिंग आईडी ज्वाइन करके कनेक्ट तो हो गया, राइट? मीटिंग आईडी पासवर्ड नाउ। चलो तो 17 फंक्शन 2 functions 2 3 4 रिलेशन फंक्शन, ओके, आइडेंटिकल फंक्शन। आई होप आप किसी को डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद वाला टॉपिक शुरू करने से पहले नाउ सी, अभी बाकी सब स्टूडेंट्स का आपके साथ साथ पैरेलली क्लास 11th के भी लाइव क्लास शुरू हो गए हैं और आपके सीनियर्स के केसेट का डाउट सॉल्विंग ग्रुप मैंने बना दिया है। तो एक साथ सबके होमवर्क आ रहे हैं ना, तो पता नहीं चल पा रहा है किसका होमवर्क है किसका नहीं है, मतलब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो आज से होमवर्क के लिए मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ। होमवर्क आपको ग्रुप में ही भेजना है, फर्स्ट कंडीशन, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन आपको होमवर्क ग्रुप में ही भेजना है। सेकंड कंडीशन, होमवर्क आपको ग्रुप में ही भेजना है, सेपरेट भेजना नहीं है। अगर सेपरेट भेजोगे मैं नहीं देखूंगा, ओके? तो होमवर्क ग्रुप में ही भेजना। सेकंड थिंग, होमवर्क आप कैसे भेजोगे? तो होमवर्क आप 2-3 तरीके से भेज रहे हो, राइट? एक तो सब कोई स्टूडेंट है जो सारी इमेज भेज रहे हैं, कोई पीडीएफ भेज रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपका जितना भी हो जाए ना होमवर्क, जस्ट कैम स्कैनर से नॉर्मल पीडीएफ बना के भेज दो। इसका फायदा क्या होगा, और ये सारी पीडीएफ को एक जगह पे इकट्ठा भी रखो, सेव रखो, ताकि फ्यूचर में अगर आपकी कॉपी खो गई, आपकी नोट्स अगर खो जाएंगी, राइट, तो दिक्कत नहीं होगी, वो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? तो होमवर्क सबको ग्रुप में भेजना है आज से, एंड होमवर्क पीडीएफ फॉर्म में भेजना है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। एवरीबॉडी एग्री? रेज योर हैंड। एवरीबॉडी एग्री? श्रेया ने ज्वाइन किया, ओके, ना, ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। और गौरी आप होमवर्क नहीं भेज रहे हो, आज मीटिंग के बाद आप मुझे कॉल करो, राइट? मुझे बताओ पूरा रीजन, व्हाट इज देयर, क्यों नहीं भेज रहे हो। चलो, और नाउ सी, तो अब आज हम क्या क्या शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम डाउट्स देखेंगे, राइट? जो जो डाउट थे, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो ओल्ड मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ओके? ये हमें पूछा था एबिन ने, राइट? ओल्ड मॉड्यूल में 17.2 में होमवर्क का लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी, इफ फंक्शंस एफ एंड जी आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड जी ओ एफ ऑफ एक्स एंड डिस्क्राइब इट्स डोमेन। जी ओ एफ ऑफ एक्स तो आप सब फाइंड कर दोगे, उसका डोमेन डिस्क्राइब करना वो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्टिंग है, समझो? तो ऑब्वियसली हम जी ओ एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते थे, ओ की जगह पे हम बड़ा ब्रैकेट रख देंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो हमारा इनपुट होगा उसकी वैल्यू रखेंगे। सो व्हाट इज अवर एफ ऑफ एक्स? रूट एक्स प्लस 2। अब उसके ऊपर जब हम जी लगाएंगे तो व्हाट इज माय जी? एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मैं एक्स की जगह पे क्या रखूंगा? ऑब्वियसली रूट एक्स प्लस 2। तो जब मैं एक्स की जगह पे रूट एक्स प्लस 2 रखूंगा तो मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर मिलेगा एल एन ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स। ये मेरा आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में किसी को डाउट है? ओके, अब एल एन माइनस 1 माइनस एक्स कब डिफाइन होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? योर माइनस 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। आपका माइनस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही आप लॉग निकाल सकते हो, राइट? तो माइनस 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स उधर चला जाएगा, एक्स शुड बी लेस देन माइनस 1। तो योर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माई डोमेन ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। एवरीबडी एग्री? इसमें किसी को कोई डाउट है कि किसी को कुछ कहना है?
किसको कहना है कुछ इधर कि ये चीज। हाँ सर, मेरे को भी सर यही एफ आया ऑफ एक्स भी आंसर। तो डिफाइन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी ने यहां तक आंसर लिख दिया दैट इज रॉन्ग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर सिर्फ फंक्शन आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होता इट इज ln -1 -x तो आप ये कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दी गई है। और आप ध्यान से देखो तो f भी दिया गया है, g भी दिया गया है, और उनका डोमेन भी नहीं दिया है, राइट? तो व्हाट इज आवर मोरल ऑफ स्टोरी। हमारा क्वेश्चन क्या है कि डोमेन ऑफ जियो एफ हमें फाइंड करना है। डोमेन ऑफ जियो एफ कब डिफाइन होगा, मतलब जियो एफ कब डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑब्वियसली तब जब आपका एफ भी डिफाइन हो। तो डोमेन ऑफ एफ ओ जी के लिए आपको, सॉरी डोमेन ऑफ जियो एफ के लिए आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए आपका एफ डिफाइन है, एफ का डोमेन क्या होगा, राइट? तो चलो, तो हियर अवर एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स प्लस टू। तो अंडर रूट एक्स प्लस टू कब होगा, जब एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होगा। इक्वल टू ले सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे मेरे लिखने में गलती है, इधर इक्वल टू भी आएगा। तो योर एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो एक्स बिलोंग्स टू -2 to infinity, इट इज क्लोज। नाउ अब जी ओ एफ के लिए मेरा एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 में होना चाहिए, और एफ के लिए मेरा एक्स -2 से इन्फिनिटी में होना चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूं तो वो गलत है। डायरेक्ट मैं ये कर रहा हूं मतलब ये आर में से लिख रहा हूं। जी ओ एफ के लिए मेरा एक्स तब डिफाइन होगा जब उसके पहले मेरा एक्स एफ के लिए डिफाइन होना चाहिए, राइट? सो व्हाट शुड बी माई प्रॉपर वे कि यहाँ पे मेरा एक्स -2 टू इन्फिनिटी में डिफाइन है, उसमें से कौन सी वैल्यू के लिए जी ओ एफ डिफाइन है, राइट? तो उसमें से कौन सी वैल्यू के लिए जी एफ डिफाइन है, -1 से छोटी। तो यहाँ पे मुझे -1 से छोटी लेनी है, और यहाँ पे मुझे -2 से बड़ी लेनी है। तो इट शुड बी -2 to -1। पता चला? इसमें किसी को डाउट है? एक मिनट, हाँ ये श्रेया का थोड़ा वो हो गया है। श्रेया न्यू मीटिंग ज्वाइन करो, नई वाली जो नीचे दूसरी लिंक भेजी है ना उसको ज्वाइन करो, ऊपर वाला मत करो, नीचे वाली ज्वाइन करो। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट। सो ये -2 to infinity एंड ओके। तो यहाँ पे जो मैंने समझाया वो पता चला। तो अगर इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जियो एफ के लिए आपको डोमेन फाइंड करना है, x should be in domain of f and f of x should be in domain of g, right? मतलब आपका x f के domain में होना चाहिए और f of x g के domain में होना चाहिए। f of x g के domain में होना चाहिए मतलब क्या, अगर इसको सिंपल भाषा में बोलना हो तो यहाँ पे जो आपने किया वही कि g o f कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है, मीन्स योर x शुड बी इन g o f, डोमेन ऑफ g o f, राइट? तो वो कौन सा डिफाइन है, फिर इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन ले लेना है। तो दैट विल बी -∞ to -1, इंटरसेक्शन -2 to infinity। सो दिस विल बिकम -2 to -1, वेयर -2 इज इंक्लूडेड एंड -1 इज एक्सक्लूडेड। तो ये क्वेश्चन में पता चला, ये क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, ये क्वेश्चन में हम जनरली वो फाइंड करना भूल जाते हैं, राइट? हाँ डोमेन ऑफ जी हाँ अच्छा। एफ ऑफ एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ जी मतलब एक्स हमें ऐसा लेना है, समझो। एक मिनट में समझा रहा हूं। एक काम करते वेट नाउ सी, योर एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ एफ एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ जी, इसका मतलब क्या है समझो। इधर एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ एफ, तो ये तो पता चल गया आपको कि डोमेन ऑफ एफ के लिए एक्स आपका -2 to infinity होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है? हाँ सर वो पता चल गया। हाँ चलो, अब एफ ऑफ एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ जी मतलब अब ये समझो। तो डोमेन ऑफ जी मतलब उसके लिए कुछ नहीं है, डोमेन ऑफ जी मीन्स ln1 - x2, राइट? अब उसके अंदर ln1 - x2 में मैं एक्स की जगह √x+2 रख रहा हूँ, मतलब जी के अंदर। अब जी के अंदर मैं एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ, जी के अंदर मैं एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख रहा हूँ। अब जी के अंदर मैं एफ ऑफ एक्स कब रख सकता हूँ, जी के अंदर मैं एफ ऑफ एक्स तब रख सकता हूँ जब वो जी के डोमेन में हो। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, समझो। अब यहाँ पे मेरा जी का डोमेन क्या होगा, जी में मेरा क्या है, 1 - x2,
राइट, एल एन किसका निकलेगा जो पॉजिटिव होगा, अगर जी का डोमेन मुझे निकालना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पता चला सबको, राइट अब एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माई एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, राइट, तो माई अब एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 1 है तो एक्स क्या होगा, एक्स शुड बी बिटवीन माइनस 1 टू 1, एवरीबडी क्लियर विद दिस, हा या ना, सो दिस इज डोमेन ऑफ जी। अब हमारी कंडीशन क्या है, अगर मैं जी में फंक्शन रख रहा हूं तो मेरा फंक्शन इस डोमेन में होना चाहिए, मतलब अब x माइनस 1 टू 1 में होना चाहिए जी में रखने के लिए, तो अगर f ऑफ x जी में रख रहा हूं तो मेरा f ऑफ x माइनस 1 टू 1 में होना चाहिए, तो अब यहां से f ऑफ x में माइनस 1 टू 1 लेके सिंप्लीफाई करूंगा तो वहां से मुझे कंडीशन मिलेगी, राइट, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, f ऑफ x शुड बी फ्रॉम माइनस 1 टू 1, ओके, तो जब मैं f ऑफ x माइनस 1 टू 1 लिखूंगा, ये थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि माउस से लिख रहा हूं तो मतलब थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, सो f ऑफ x अगर माइनस 1 से 1 के बीच में है तो फिर क्या मैं वहां से फाइंड कर सकता हूँ आगे, राइट, f ऑफ x मेरा क्या है, रूट एक्स प्लस 2, तो रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1 से 1, तो रूट एक्स प्लस 2 की वैल्यू नेगेटिव तो होगी ही नहीं, रूट एक्स प्लस 2 विल बी फ्रॉम 0 टू 1, स्क्वायर कर दूं तो योर एक्स प्लस 2 विल बी लेस देन 1, राइट, बिकॉज वो 0 टू 1 के बीच में, तो x शुड बी लेस देन 1 माइनस 2 माइनस 1, तो x शुड बी लेस देन माइनस 1, यही मिलेगा आपको, राइट, वहां से पर्टिकुलर यही पॉइंट मिलेगा, फिर उन दोनों को f of x का बोलो बोलो f of x का डोमेन माइनस 2 टू इनफिनिटी आ रहा है ना सर, हाँ हाँ f of x का डोमेन माइनस 2 टू इनफिनिटी, यस f of x का डोमेन माइनस 2 टू इनफिनिटी है, वो हमारा पहला स्टेप है, राइट, दैट x शुड बी इन डोमेन ऑफ f, अभी जो मैं समझा रहा था वो दूसरा स्टेप, दैट इज f of x शुड बी इन डोमेन ऑफ g, तो अगर मैं f of x डोमेन ऑफ g में कर रहा हूं तो डोमेन ऑफ g मेरा क्या है, माइनस 1 टू 1, डोमेन ऑफ g माइनस 1 टू 1 है, f of x माइनस 1 टू 1 होना चाहिए, राइट, तो जब मैं f of x माइनस 1 टू 1 लेके सिंप्लीफाई करूंगा, दैट इज रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1 टू 1 लेके, तो मुझे यही आंसर मिलेगा, x लेस देन माइनस 1, यस और नो, वो करके दिखाऊं यहाँ पे, चलो वो लिखना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम, वी विल राइट, ठीक, अब मैं इसी चीज को आगे लिख रहा हूं ताकि वो स्टेटमेंट आपको पता चले, नाउ f of x माइनस 1 से 1 में, राइट, f of x मेरा क्या है, सॉरी f of x मेरा है रूट एक्स प्लस 2, सो माय अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज लेस देन 1, राइट, अब वो यहाँ पे मैं माइनस 1 लेस देन तो नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, तो वो 0 हो सकता है, माइनस 1 से 0 में नहीं हो सकता, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो, अब अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली माय x प्लस 2 विल बी लेस देन 1 बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1, और अगर 2 उस तरफ जाएगा तो माय x विल बी लेस देन 1 माइनस 2, तो माय x विल बी लेस देन माइनस 1, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मेरा फंक्शन f ऑफ x g के डोमेन में होगा, अगर मेरा फंक्शन f ऑफ x g के डोमेन में होगा तो x शुड बी लेस देन माइनस 1, वही चीज हमें यहाँ पे मिली थी नीचे, देखो वही चीज मुझे इधर मिली थी, x इज लेस देन माइनस 1, तो ये सेकंड लाइन का मतलब क्या है, सेकंड लाइन का मतलब ये है, वही मैंने आपको समझाया कि योर x शुड बी इन डोमेन ऑफ f एंड f ऑफ x शुड बी इन डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g का मतलब यही है कि या तो f ऑफ x डोमेन में डोमेन ऑफ g की कंडीशन लगा के x फाइंड करो, या डायरेक्ट g और f फाइंड करो, उसके लिए x की कंडीशन फाइंड करो, दिस बोथ पॉइंट्स आर सेम, जो मैंने वो दैट इज करके लिखा है, अब ये क्लियर हुआ, हर्षा मनोज की कंफ्यूजन है अभी भी सर, और एक बार बताइए सर, कंफ्यूजन है तो वापस से मुझे लिखना पड़ेगा, ओके ओके, नाउ सी अगेन, पहले मैं आपको ये पॉइंट दिखा देता हूं फिर हम उधर जाएंगे, सी व्हाट इज अवर पॉइंट, कि डोमेन ऑफ जीओ एफ, अगर मुझे कभी भी जीओ एफ का डोमेन फाइंड करना होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे कि मुझे जीओ एफ का डोमेन फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, सबसे पहले मुझे डोमेन एक्स का एफ का डोमेन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का इनपुट क्या है एफ, तो मैं एफ का डोमेन फाइंड करूंगा, यस और नो, तो जब मैं एफ का डोमेन फाइंड करूंगा तो ये ऑलरेडी मैंने फाइंड कर दिया, एफ का डोमेन है माइनस 2 टू इंफिनिटी, क्लियर विद दिस, सेकंड पॉइंट, अब मैं फाइंड करूंगा एफ ऑफ एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ जी, अब अगर f ऑफ a
एफ ऑफ एक्स जी के डोमेन में है तो ऐसी एक्स की मैं पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ जिसके लिए एफ ऑफ एक्स जी के डोमेन में होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारी प्रोसेस की थी। क्या किया था कि जी का डोमेन पहले फाइंड किया, जी का डोमेन क्या होना चाहिए, माइनस वन टू वन। अगर जी का डोमेन माइनस वन टू वन है, मतलब जी के अंदर एक्स अगर मैं इनपुट रख रहा हूँ तो माइनस वन टू वन है, तो जी के अंदर अगर मैं एफ ऑफ एक्स इनपुट रख रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स मेरा माइनस वन टू वन के बीच में होना चाहिए। अब अगर एफ ऑफ एक्स मेरा माइनस वन टू वन के बीच में है तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द रूट एक्स प्लस टू, रूट एक्स प्लस टू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। बट सिंस इट इज अंडर रूट वो नेगेटिव होगा नहीं, तो वो जीरो से वन के बीच में होगा। अब कोई भी नंबर अगर जीरो से वन में है उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो उसका स्क्वायर भी जीरो से वन के बीच में ही रहेगा, राइट। तो इफ हियर माय एक्स प्लस टू इज बिटवीन जीरो टू वन, राइट, यहाँ पे जीरो वाला पॉइंट भी लिख देता हूं मैं, सो माय एफ ऑफ एक्स इज बिटवीन जीरो टू वन। अब प्लस टू को मैं माइनस कर रहा हूं तो इट विल बिकम माइनस टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन माइनस वन। मतलब एफ ऑफ एक्स मेरा जो जी के लिए डिफाइन होगा, राइट, तो अगर एफ ऑफ एक्स मेरा जी के डोमेन में होगा तो तभी होगा जब मेरा एक्स माइनस टू से माइनस वन के बीच में हो। पता चला, इतनी चीज क्लियर हुई पहले? हर्षा, मनोज? हाँ सर, एक क्लियर हो गया। ओके, चलो अब तो वही, अब यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिला था, इनिशियली एक्स लेस देन माइनस वन, राइट, और माइनस टू से माइनस वन वाला फाइनल आंसर है। ओके, लेट मी क्लियर दिस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, या तो ये मैं पूरी चीज जो मैंने अभी की वो रख के कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स को जी के डोमेन में रख के, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो यही फॉलो करो, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले एक्स का मतलब एफ का डोमेन फाइंड करूंगा, जो एफ का मुझे डोमेन मिल गया वो मैं लिख दूंगा, फिर मैं दूसरा पॉइंट ये फाइंड करने की जगह पे मैं क्या करूंगा, जियो एफ फाइंड कर दूंगा, और जियो एफ का जो डोमेन होगा वो फाइंड कर दूंगा। जो मैंने फाइंड किया तो मुझे ये मिला था, इट शुड बी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और एफ का डोमेन मुझे मिला था माइनस टू टू इन्फिनिटी, फिर उन दोनों को मैं इंटरसेक्ट कर दूंगा, राइट। तो यू कैन डू आइदर दिस थिंग और आइदर दिस थिंग, राइट, मतलब ये मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले में दोनों में से एक करना है। हाँ, दोनों में से नहीं, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, ये देखो दो रास्ते हैं, पहला तो करना ही है, पहला तो करना है ही, राइट। अब दूसरा, या तो ये वाला करो, मतलब एफ ऑफ एक्स का डोमेन करो जी के कंडीशन में, या तो जीओ एफ का फाइंड करो डायरेक्ट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लो। अच्छा, डोमेन ऑफ जीओ, पता चला? ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ सर, ओके, नाउ शुरू करें कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज सिक्स, राइट। नाउ कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज सिक्स में कुछ स्टूडेंट्स ने, मतलब सभी ने अलग अलग क्वेश्चन मुझे बोले थे जो जो डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव, इन चार क्वेश्चंस में डाउट है सौमिक को, कल्पना को और वर्षा को, सिर्फ फिफ्थ में डाउट है। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट। सर मुझे भी डाउट है सर, सेकंड और फिफ्थ वाले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन सबका हो ही गया है, क्वेश्चन नंबर वन मुझे किसी ने डाउट नहीं पूछा। ओके, नाउ चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड, इवन और नाइदर। तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट, इसमें बस आपको डाउट ये है कि किस तरीके से करना है। अब ऑड या इवन चेक करने के लिए ऑब्वियसली अंदर माइनस एक्स रख के देखना पड़ेगा, माइनस एक्स रखोगे तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ओके, ना इरफान को सेकंड और फिफ्थ में डाउट है, नाउ सी। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में मैं माइनस कैसे रखूंगा, जहां पे मेरे पास फंक्शन भी है और फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन, कि हर इनइक्वालिटी में अलग अलग फंक्शन है। नाउ सी, मेरे पास अभी मैसेज आया जूम ऐप से, 10 मिनट्स में हमारी मीटिंग खत्म हो सकती है, राइट, तो नो प्रॉब्लम, घबराना मत, वापस दूसरा मीटिंग आईडी में भेज दूंगा। ओके, सो यर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस जी आई एफ ऑफ वन माइनस एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन माइनस वन टू वन, एंड माइनस एक्स मोड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो ये वाले केस में अगर मैं माइनस एक्स यहाँ पे रख रहा हूँ अलग अलग जगह पे, तो उसके साथ साथ इधर भी जहां पे x है उसकी जगह माइनस रखना पड़ेगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में मैं x की जगह माइनस रख रहा हूँ, तो इधर अगर माइनस रख रहा हूँ तो इधर भी रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो मैं x की जगह प्रोसेस करूंगा वही प्रोसेस इधर भी होगी। अगर यहाँ पे मैं x की जगह साइन x रख रहा हूँ तो सभी जगह साइन x आ जाएगा, इधर भी साइन x आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं x की जगह log x रख रहा हूँ तो सभी जगह log x आ जाएगा, इधर भी log x आ जाएगा, इधर भी log x आ जाएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? सर नहीं सर, अगर माइनस एक्स चलेंगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन वन आना चाहिए ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो पहले नहीं सोचना है भाई, वो नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। जब मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट्स इट।
मैं उसमें क्या इनइक्वालिटी होगी क्या इक्वालिटी होगी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स भी वेरिएबल है, वेरिएबल है, मैं एक्स को बस माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ. उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन क्या होगा वो मैं बाद में सोचूंगा, उसके बाद सारी प्रोसेस करके सोचूंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर पर ये गलत हो गया ना सर, माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वन. हो सकता है ना. अब ये डिपेंड करेगा ना एक्स की वैल्यू कौन सी है. सी राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनस एक्स तो माइनस वन डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू कौन सी है और हमें वही फाइंड करना है राइट. जैसे यहाँ पे हमने पहले क्या किया, अच्छा इससे पहले वाली पीडीएफ बंद कर दी. इससे पहले वाली पीडीएफ आपको याद हो तो उसमें हमने सबसे पहले डोमेन ऑफ जी के लिए हमने निकाला माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन, यस और नो. फिर जब वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए लिखना था तो हमने क्या लिखा, अवर एफ ऑफ एक्स शुड बी बिटवीन माइनस वन टू वन. अब ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स के लिए गलत है राइट. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, क्यों रूट एक्स प्लस टू, रूट एक्स प्लस टू नेगेटिव होगा ही नहीं. तो जब हमने रूट एक्स प्लस टू लिखा तब फिर सोच के इसको मॉडिफाई कर दिया, माइनस वन का जीरो कर दिया, लेस देन और इक्वल टू. पता चल रहा है रेंज को? तो पहले बस जैसे यहाँ पे मैंने एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखा, वैसे यहीं पे पहले मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या हो. एवरीबडी क्लियर विद दिस ना? तो इधर मैंने रख दिया माइनस एक्स और इधर भी हो गया माइनस एक्स मोड के अंदर. यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ जाएगा माइनस एक्स एक्स की जगह पे, और नीचे ये वाली चीज के अंदर भी आ जाएगा x की जगह पे माइनस एक्स. और यहाँ पे सारी इन इक्वालिटीज में x की जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस एक्स. नाउ सिंस अब जब मुझे माइनस एक्स मिल गया है, अब सारी चीजों को x के टर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहले सारी इन इक्वालिटी कैसे कन्वर्ट करूंगा, इफ माई माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, तो अगर दोनों जगह पे माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माई एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. इन द सेम वे यहाँ पे if my minus x is between minus 1 to 1, so my x will be from minus 1 to 1. And if my minus x is greater than equal to 1, so minus se multiply karke x will be less than or equal to minus 1. Yes or no? Ye inequality pata chala? Isme koi doubt hai? Okay. Now, yahan pe minus x ka mode bhi mode x ho jayega, right? Aur isko bas thoda acche se likh diya, jo minus minus plus ho raha hai. Same yahan pe minus minus plus ho raha hai. Ab in sabko हम सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी आएगी, x लेस देन और इक्वल टू माइनस वन की. x लेस देन और इक्वल टू माइनस वन पे फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, x मोड x. फिर वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन टू वन x की वैल्यू, वहां पे फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, जी आई एफ वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स. तो वो बस आगे पीछे लिखा है. और x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए मेरी इनइक्वालिटी क्या आ रही है, माइनस x मोड x. तो जब f ऑफ माइनस x की वैल्यू ये हो गई, अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा f ऑफ माइनस एक्स वापिस f ऑफ x आ रहा है, या माइनस ऑफ f ऑफ x आ रहा है इवन ऑड के लिए, या कुछ भी नहीं आ रहा है. तो जब मैं इसको x मेरे f ऑफ x से कंपेयर करूंगा तो वही चीज रिपीट हो रही है. देखो x मोड x, x प्लस वन वन माइनस x, माइनस x मोड x, और ये वाली कंडीशन. तो वही सेम चीज कंडीशन रिपीट हो गई. सो माई f ऑफ माइनस x इज f ऑफ x, सो माई f इज इवन. तो एवरीबडी क्लियर विद दिस इनइक्वालिटी वाले इवन ऑड वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसमें किसी को डाउट है अभी, इनइक्वालिटी वाले इवन ऑड वाले क्वेश्चन. ओके नाउ अब क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एफ ऑफ एक्स समथिंग कुछ इस तरीके से दिया है, जिसमें टेन ऑफ स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटू एक्स. अगेन टेन ऑफ स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटू एक्स, उसका पीरियड आपको दे दिया गया है पाई बाई थ्री, और आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है. ये फंक्शन का आपको पीरियड दिया गया और n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास रूल है, हमें tan x का पीरियड पता है. tan x का पीरियड क्या होता है, पाई. तो अगर tan x का पीरियड पाई है, फिर मैं tan के अंदर अगर x के साथ स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन शॉर्ट x के साथ अगर कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका मोड लेके पाई को डिवाइड कर दूंगा, वो उसका पीरियड हो जाएगा. हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखी थी. सिंस स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मुझे मोड लेने की जरूरत नहीं है. और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इसका पीरियड पाई बाई थ्री है, तो पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एन शुड बी इक्वल टू पाई बाई थ्री. अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो माई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन शुड बी इक्वल टू थ्री. स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बिकम नाइन. इफ जी आई एफ ऑफ एन इज नाइन, देन ऑब्वियसली योर एन शुड बी 9 to 10, right? But 9 is included and 10 is excluded. पता चला ये क्वेश्चन में आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप जाना है. ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? हाँ सर, मैं अभी x is equal to 1 करके लेके करूंगा तो भी डायरेक्ट आ जाएगा.
एक्स इज इक्वल टू वन लेके भी आप कर सकते हो, नो इश्यू. डायरेक्ट कैसे आएगा मतलब? तो टेन रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर एन रूट होगा, हाँ फिर पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री होगा, पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री, टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू. पर अंदर हमें पाई बाई थ्री नहीं रखना है ना? नहीं सर, टेन ऑफ अगर एक्स इज इक्वल टू वन होगा हाँ, तो वाला रूट एन वाला हमको रूट एन इज इक्वल टू क्या होगा, tan pi by 3, tan root 10 is equal to tan pi by 3. नहीं, because वो tan root 10 के अंदर 1 बचा ना, तो tan root 10, अच्छा मतलब x को अगर आप 0 मान रहे हो, नहीं वो depend करेगा, एक काम करो विष्णु, वो आप मुझे लिख के भेजो, मेरी बात सुनो, घर पे मैं वैसे solution लिख, ठीक है वो, ठीक है ओके, मतलब आपने जो PDF भेजा है उसमें आपने वैसे किया है, ठीक है, हाँ सर, ठीक है मैं देखता हूँ, और if possible, ठीक है, नहीं तो मुझे एक मैसेज डाल देना मीटिंग के बाद में, ओके, तो कि वो मैं देखता हूँ उसमें जो गलती है मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ सर, चलो जाए नेक्स्ट मीटिंग के लिए, एक मिनट बची है, एक मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, राइट? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4.